अयोध्या मामले पर फैसला तो हो चुका है, राम मंदिर और मस्जिद निर्माण भी शुरू हो गया है, लेकिन इसको लेकर अभी विवाद खत्म नहीं हुए हैं। इसी के चलते इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन भी अपनी बातों से पलटती दिखाई दे रही है। खबर है कि मस्जिद का नाम 1857 के योद्धा अहमदुल्ला के नाम पर रखा जा सकता है, जो कि एक मुगल बादशाह रह चुके हैं। अहमदुल्ला ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली जंग के दौरान अवध को जीता था। फाउंडेशन का पहला लिया फैसला और अब सामने आई खबर की वास्तविकता में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। दरअसल फाउंडेशन ने पहले बोला था कि मस्जिद का नाम किसी मुगल बादशाह के नाम पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन अब वही फाउंडेशन अहमदुल्ला के नाम को मस्जिद से जोड़ने पर विचार कर रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर अहमदुल्ला शाह है कौन। अहमदुल्ला का जन्म 1787 में हुआ था, उनकी मौत 5 जून 1858 को हुई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके चलते उनकी जान चली गई थी। ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज ब्रूस मिलिसन ने 1857 के विद्रोह पर एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी है। इस बुक में अहमदुल्ला शाह की वीरता और संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। इसी के साथ ही कहा जाता है कि अहमदुल्ला शाह धार्मिक एकता और अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक भी थे। अयोध्या की जमीन पर बाबरी मस्जिद के बदले बनने जा रही मस्जिद आए दिन वैसे ही विवादों में घिरी रहती है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर क्या असर डालती है।